गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको जगत माता पार्वती जी के उस चमत्कारी सिर्फ चार शब्दों के अत्यंत सरल और आसान लेकिन ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ने वाले महाशक्तिशाली मूल मंत्र के बारे में बता रही हूँ। आदि शक्ति के इस मूल मंत्र को बोलने से माता के सच्चे भक्तों के मन में बसी हर मनोकामना, इच्छा और मनोरथ की पूर्ति होती है और उन्हें सर्व खतरों, रुकावटों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस मंत्र को बोलने की विधि अत्यंत सरल होने के कारण कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को बोलकर हर प्रकार के सुख, शांति और समाधान का अनुभव प्राप्त कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इस मंत्र में असंभव को भी संभव यानी कि नामुमकिन को भी मुमकिन करने की शक्ति है। इसलिए हर प्रयास करने के बाद थके हुए लोग इस मंत्र को बोलकर किसी भी इच्छा या कठिन से कठिन मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर धन दौलत संपत्ति पाने की इच्छा, संतान प्राप्ति या संतान सुख का भोग लेने की इच्छा या किसी भी मनचाहे वधु या वर से शादी करने की इच्छा या नौकरी धंधे और पढ़ाई में मनचाही सफलता पाने की इच्छा या रोगों से मुक्ति पाने की इच्छा या शत्रु, गुप्त शत्रु या दुष्ट प्रतिद्वंद्वियों की पीड़ा खत्म करने की इच्छा या अन्य किसी भी दिल में बसे मनोरथ की पूर्ति या खतरे, संकट, परेशानी, बाधा या रुकावट का निवारण कर सकते हैं। आगे बताए हुए पार्वती माता के मूल मंत्र का जाप किसी भी शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, त्यौहार या किसी भी शुक्रवार के दिन से शुरू किया जा सकता है, लेकिन इस मंत्र के लिए किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। इसलिए साधक की इच्छा हो तो वह इस मंत्र का जाप शुरू कर सकता है। साधक इस मंत्र को हर दिन 108 बार बोल सकता है, लेकिन एक संकल्प लेकर पूर्व निर्धारित दिनों के लिए जैसे कि 45 दिन, 2 महीने या उससे अधिक काल के लिए इस मंत्र का जाप करना ज़्यादा उचित होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस मंत्र का जाप करने के लिए कोई भी खास नियम या बंधन नहीं है। केवल साधक ने पार्वती माता पर अटूट भक्ति रखकर उनके ब्रह्मांड रूप का स्मरण करने के बाद इस मंत्र का वाचिक या मानसिक जाप करना है। अब मैं आपको मंत्र सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीं उमाये नमः। ओम ह्रीं उमाये नमः। ओम ह्रीं उमाये नमः। ओम ह्रीं उमाये नमः। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।